हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओशियन माइंस। तो आज के इस वीडियो में हम कम्प्लीटली डिटेल स्पेसिफिकेशन बताएंगे आपको टाटा की तरफ से सबसे पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा निक्सॉन ईवी के बारे में। तो ये गाड़ी अनवील होने वाली है इंडिया में 19 दिसंबर 2019 में, और ये गाड़ी जो लॉन्च होगी इंडिया में वो शायद टाटा करेगी 2020 की इंडिया ऑटो एक्सपो में। तो चलिए देखते इस वीडियो में क्या क्या ऐसे फीचर्स है जो आपको मिलेगी इस गाड़ी में। बने रहिए हमारे साथ ही ओशियन माइंस। I am Nexon Electric. I am here. तो टाटा निक्सन टाटा की तरफ से सबसे पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल तो नहीं है, क्योंकि टाटा पहले भी इनकी जो टियागो थी, टिगोर है, उनके ऊपर काम कर चुकी है इलेक्ट्रिक कैटेगरी में। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है आपको मिलेगी एज ए कंज्यूमर, वो पहली बार हो रहा है कि टाटा कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर रही है। तो यहाँ पे 19 दिसंबर को इसका अनवील होगा, और शायद आने वाली साल में जो ऑटो एक्सपो होगा इंडिया में उस टाइम पे ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। तो हमें अभी इसकी कुछ डिटेल के बारे में पता चला है, तो वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी ट्रांसमिशन और पावर ट्रेन से। तो यहाँ पे टाटा यूज़ कर रहा है जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी, जिसके अंडर में ये पावर ट्रेन डिज़ाइन हुआ है। और यहाँ पे आपको जो मोटर मिलेगा वो होगा एसी मोटर, और इसका पावर आउटपुट होगा 95 किलोवाट। तो अगर हॉर्स पावर में बात करें तो ये होगा 129 हॉर्स पावर का मोटर, और टॉर्क आउटपुट होगा 254 न्यूटन मीटर। तो ये बहुत ही पावरफुल गाड़ी होने वाली है अगर कंपेयर करें आप इसकी पेट्रोल और डीजल वेरिएंट से। तो अभी अगर बात करें इसकी आरपीएम, तो मोटर आपको 2000 आरपीएम मैक्सिमम प्रोवाइड करेगी। मोटर के साथ यहाँ पे आपको वन स्टेप रिडक्शन मिलेगा, इसका मतलब आप को इस गाड़ी में कोई भी गियर सिस्टम नहीं दिखने को मिलेगी, मतलब बस एक्सीलरेटर से ये गाड़ी चलेगी। तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, लाइक हिल क्लाइंबिंग के टाइम पे या फिर नॉर्मल इकोनॉमी कंडीशन पे, आपको डिफरेंट डिफरेंट मोड्स दिखाई देगी, क्योंकि ये गाड़ी कंप्लीटली इलेक्ट्रिक बेस्ड है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट से आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स भी दिखने को मिलेगी। तो अभी चलते हैं बैटरी की तरफ। तो बैटरी में आपको 28.8 किलोवाट का बैटरी मिलेगी, जो होगा लिथियम आयन बैटरी। ये भी बेस्ड है टाटा की जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी के अंडर में। तो बैटरी का आईपी रेटिंग होगा IP67, जो आपका डस्ट से और वाटर से दोनों से आपका बैटरी को सुरक्षित रखेगी। तो अगर बैटरी की चार्जिंग की बात करें तो बैटरी का कैपेसिटी 300 किलोमीटर तक का होगा। लेकिन अगर आप इकोनॉमी मोड में इस गाड़ी को एक नॉर्मल सा आरपीएम रेंज में चलाओगे तभी ये चीज़ आपको दिखने को मिलेगी। अगर आप गाड़ी को टॉप आरपीएम उसके बाद लो आरपीएम में चलाओगे तो हो सकता है कि ये जो रेंज है वो थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन आपको 300 जो रेंज है वो बहुत ही अच्छी है कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो इंडिया में लॉन्च होगी अभी तक। तो अभी अगर बात करें इसकी चार्जिंग का, तो चार्जिंग यहाँ पे आपको दो तरीके से कर सकते हो। अगर आप डीसी फर्स्ट चार्ज यूज़ करोगे तो ये गाड़ी 80% तक चार्ज हो जाएगी बस एक घंटे में। लेकिन आप अगर नॉर्मल 15 वाट का जो चार्जिंग सॉकेट घर में लगा होता है रेफ्रिजरेटर के लिए या फिर इंडक्शन हीटर के लिए, उससे अगर चार्ज करोगे तो आपको 8 से 9 घंटा लग जाएगी गाड़ी को कम्प्लीटली 100% चार्ज करने में। तो ये भी उतनी बुरी बात है नहीं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। और यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि इस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है या फिर राइडेबिलिटी है सेम निक्सॉन कंबशन जैसा होगा, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे टाटा ने जो इसका सस्पेंशन डिज़ाइन किया है वो डिफरेंट किया है। तो अभी आपको यहाँ पे सेमी इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन मिलेगा जो असिस्ट होगा टॉर्जन बार के साथ। तो इसका मतलब राइडिंग क्वालिटी में आपको यहाँ पे डिफरेंस नज़र आएगी, और साथ में क्योंकि यहाँ पे बैटरी और मोटर अरेंजमेंट है तो गाड़ी की सीट के नीचे जो फ्लोर है वहाँ पे बैटरी माउंटेड होगा, तो इससे गाड़ी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लो हो जाएगा। और साथ ही में यहाँ पे टाटा ने इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम किया है नेक्सॉन कंबशन के कंपैरेटिव। तो यहाँ पे आपको जो बॉडी रोल है गाड़ी का वो भी कम नज़र आएगा, तो इससे भी इस गाड़ी का जो राइडेबिलिटी है कॉर्नरिंग के टाइम में वो और भी बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो हिल क्लाइंबिंग में दिक्कत होगी, लेकिन टाटा यहाँ पे इंश्योर करते हैं आपको कि यहाँ पे आपको एक नया फीचर मिलेगा हिल क्लाइंब टेक्नोलॉजी करके, जिससे आप 26.6 डिग्री का जो हिल क्लाइंब है जो वीडियो में आप देख रहे हो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लाइंब कर पाओगे। तो अभी अगर फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में सारे जो टॉप लेवल के फीचर्स मिलते हैं नॉर्मल नेक्सॉन कंबशन में सारे फीचर्स दिखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे प्राइस रेंज गाड़ी का ज़्यादा होगा, आपको इस गाड़ी अराउंड 15 लाख के आसपास मिलेगा। तो थोड़ा कॉस्टली है लेकिन आपको कम्प्लीटली न्यू एक फीचर्स मिलेंगे इस गाड़ी में, कम्प्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी मिलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का, आप एक्सपीरियंस ले पाओगे इस गाड़ी के साथ, और जो है इंडियन ब्रांड टाटा की तरफ से।
और एक चीज इस गाड़ी को स्पेशल बनाती है, टाटा यहाँ पे 8 साल का और 160,000 किलोमीटर, इन दोनों चीज में जो चीज मैक्सिमम है उसके ऊपर वारंटी प्रोवाइड करेगी स्टैंडर्ड। तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, अगर बैटरी यहाँ पे खराब हो जाती है तो टाटा की तरफ से कम्प्लीटली वारंटी आपको मिलेगी 8 सालों तक। तो यही थे कुछ स्पेशल फीचर इस गाड़ी की, और भी बहुत सारे फीचर हमें पता चलेगा आने वाले टाइमों में। तो इस वीडियो में इतना ही था, बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड बी कनेक्टेड। आई हैव यू नाउ।